यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग फॉर एमडब्ल्यू। ब्लॉग फॉर एमडब्ल्यू में आपका स्वागत है गाइस। अभी बज रहे सुबह के एक सेकंड कितना बज रहा है, सुबह के 7:05। एक सेकंड, लाइट आ रहा है इधर से, बीच का ये चला गया, बीच का ये चला गया, लाइट आ रहा है। सुबह के बज रहे 7:05 और इधर मैं उठ चुका सबसे पहले, बाकी सबके सोए। सुबह की आदत लग चुकी है मेरे को 7 बजे उठने की, नहीं 7 नहीं 6 बजे उठने की, तो भी वही आदत लग चुकी है। तो इधर 7:10 को मैं उठ चुका हूँ सुबह के, वो भी पता है कौन से दिन पे, संडे के दिन पे। यस, संडे के दिन में 7:10 को मैं उठ के बैठा हूँ, ऐसे बैठा 7:05 से उठा मैं। तो क्या हुआ, 1 घंटा 5 मिनट ऐसे बैठा था, फिर मैंने सोचा क्या करे क्या करे। उसके बाद फिर आज आके मैं ब्लॉग चालू किया हूँ, सबसे पहले सुबह के 7:10 को आके ब्लॉग चालू किया हूँ मैं। तो अभी देखते हैं आज सुबह क्या होता है। और आज सुबह नाश्ता है कलेजी पोटा, नाश्ता बोल रहा हूँ, आज सुबह खाने में कलेजी पोटा। तो देखते हैं आज सुबह संडे का ब्लॉग कैसे रहता है, ये संडे का ब्लॉग स्पेशल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वक्त संडे का ब्लॉग। तो गाइस बहुत लोग बोल रहे थे कि इधर धूप कैसा आता है, आप लोग कह रहे तो ये रुको, यहाँ से धूप आता है एक, और एक बस धूप वाला एरिया है यहाँ पे, यहाँ पे इसको जैसे हटाओ ना, ये देखो ये अभी भी कम आ रहा है, अभी इससे जास्ती आता है यहाँ से। अभी मैं दिखाता हूँ आगे दूसरे शोर से यहाँ पे, और यहाँ से भी आता धूप। और तो ये कहते हैं हम लोग का यहाँ से, जिससे चिड़िया का आवाज़ भी आता है। अभी मैं दिखाता हूँ मम्मी क्या कर रहे हैं। तो भाई सीधे मम्मी सो रहे देख सकते हो, तो अभी हम लोग बाद में मिलते। तो भाई सीधे अभी सुबह के बज रहे हैं 9:08 और इधर अभी ये साफ हो चुका है, ये एक से ना एक। तो ये तो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 9:08, ये और ये, और बाकी ये पूरा साफ हो चुका है। और अभी मम्मी उठ चुके हैं बाहर, नाखून काट रहे हैं। हाँ तो गुड मॉर्निंग बोल दो अपने गाइस को। हाँ तो अभी मैं भी अभी तक नहाया नहीं, तो मैं भी नहीं बोल सकता, लेकिन आज सुबह के 7 बजे इंटरेस्ट छल करने का मजा ही कुछ और था। तो अभी हम लोग बाद में मिलते। आज रोटी कौन बना रहा है आप लोग को पता है क्या? ये देखिए छोटा मास्टर सेफ रोटी बना रहा है, सेको उसको, उसको थोड़ा बोल के देना पड़ रहा है, बाकी वो बराबर कर रहा है। आज उसको शौक चढ़ा है। हाँ किधर, मैंने क्या बोली, जिधर फूकेगा उधर क्या करने का, हाँ चलो सीख जाएगा। पहली बार अच्छा ही रोटी बना रहा है, तो थोड़ा मेरे को भी देख के, मैं इधर हूँ, ऐसा नहीं है जो उसको छोड़ दी, मैं इधर रात रोटी ये कर रही हूँ, मैं बेल रही हूँ, वो बोला मैं सेकेंगे आज, मैंने बोली सेक। बच्चा लोग जब जो बोलेंगे ना वो करने देने का आप लोग भी, तो बच्चा लोग का भी माइंड थोड़ा चेंज होता है। हमारी बहन आने वाली है 10 बजे, बच्चा लोग का माइंड चेंज हो जाता है। हो गया उठा लो, देखिए अभी वो हाथ से ही उठा ले गए, देखिए मेरा जैसा एकदम, देखिए सब रोटी वही है क्या, क्या क्या ये गुजरन गया, आ रहा ना तो सही से रोटी करो। अरे देखिए मैं रोटी बेल रही थी और वो बोला मैं आज सेकेंगे, नहीं तो मैं खड़े खड़े ही सेकती थी, वो सेकेंगे। देखा ना, चलो ये रोटी देखिए कैसा डालता है, बस होने दो, और ऐसा भावे रोटी बना रहे। तो चलिए फिर बात। देखिए आज मेरा बेटे ने सब साफ किया, कैसा देखिए क्लीन किया एकदम। आज उसको क्या हो गया क्या मालूम, सुबह से साफ सुथरा कर रहा है सब घर, देखे इधर भी साफ सुथरा किया, पूरा घर साफ सुथरा किया। अभी रोटी बनाया मेरा साथ, उसको कौन सा ये चढ़ गया। तो चलिए मैं गोली खा लूँ थायराइड की, फिर मिल गाइस। अभी बज गया आज कितना मालूम है, 10:26 और अभी मेरा आज नाश्ता हो रहा है। ये देखिए दूध
दो बिस्किट। कल खाड़ी लेके आई थी, ये देखिए खाड़ी, आज सॉरी कल पेटिस भी लाई थी जो हम लोग लाते लाते खा लिए थे। ओ वेज पेटिस था, वेजिटेबल पेटिस बहुत टेस्टी था। आज लेके आएंगे तो आप लोग को बताएंगे। दो खाड़ी दो मेरी, ये आज मेरा नाश्ता। और मेरा हालत देखे मेरा ट्रेनिंग लिया, मतलब हाथ से भी रोटी बनाने का, हाथ से भी रोटी बनाया। वो तो उतना कैप्चर नहीं किए क्योंकि छोटा है, इसके लिए ज़्यादा नहीं। अरे देखिए चाय ला के दिया, देखिए चाय ढक के रखा, देखिए दूध ला के दिया, बिस्किट सब ये लाया। अरे देखिए खुद का भी दूध लेके आया। अरे बिस्किट का अच्छा, कौन दूध खाली कौन किया? चाय चाय ढाकरा चाय इसने खा ली। अरे उसका पापा काम पे चला गया, इसने तो क्या। गाइस मैं अभी आपको बता दूं, मैं सुबह के 7 बजे इंट्रो स्टार्ट किया था, लेकिन तभी मैं आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोला था 7:05 को, क्योंकि 11:00 को किया था। तो तभी मैं आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोला था क्योंकि कल तभी मैं नहाया नहीं था, तभी मैं नहा धोकर फ्रेश हो चुका। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग फॉर एमडब्ल्यू, ब्लॉग फॉर एमडब्ल्यू में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने देखा होगा सब चीज पूरा साफ भी हो चुका है, सब कुछ किया हूं मैंने अकेले। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग फॉर एमडब्ल्यू, सब कैसे अच्छे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छी हूं। और चलिए आज है संडे, सबको हैप्पी संडे। और आप लोग जो आप लोग का कीमती वक्त निकाल के हम लोग का वीडियो देखते हो, इसके लिए दिल से शुक्रिया। और गाइस आज के खाने में हम लोग स्पेशल, अभी तक उसका पापा लाए नहीं तो नहीं बता सकते, ला भी सकते। उसका पापा अभी गया काम पे, तो काम से आने का टाइम ला के दे के आएंगे, तब आप लोग को दिखाएंगे आज संडे स्पेशल क्या बन रहा है और क्या नहीं। तो चलिए तो देखते रहिए और साथ रहिए हम लोग के साथ। और गाइस अभी बज रहा है सुबह के 10:31। और मेरे को ऐसा लग रहा है ना, इधर से मैं आईलेस की ये दोनों तरफ से आईलेस का जैसे नहीं, मेरा ओरिजिनल आईलेस से है। देखिए आज अभी पापा चले जा चुके काम पे 8 बजे ही, आज अब तुम दोनों अकेले हैं, मैंने एक खड़ी खा ली, अभी मैं और एक खड़ी खाऊँ। तो चलिए नाश्ता कर लूँ फिर आप लोग से मिल लूँ। अभी गरम मसाला भी फ्राई करने का, मेरे को गरम मसाला पीसने का सब दिखाएंगे। चलो तो गाइस इधर और एक बार हमारी चाय आ चुकी है, ये हम लोग ने बनाया नहीं है, वो चाय ठंडी हो गई थी तो गर्म करके आ चुका है ये चाय। और ये वो पतली, तभी पहले ये चाय पीते हैं फिर आपको बताते हैं। देख लीजिए मेरी हालत, मैं अब भी नहा के खाना रोटी वोटी बनाई, फिर टॉयलेट धोई, उसके बाद नहा के निकली, कपड़ा भिगाई, टॉयलेट धोई धो के फिर नहाई, सब कपड़ा पूरा भिगा हो गया के रख के अभी आई। आज कुछ स्पेशलिस्ट हो रहा है मेरे लिए, खातिरदारी इतना स्पेशलिस्ट हो रहा है ना, आप लोग को बोल के भी बता नहीं सकते। रोज इतना नहीं होता, आज हो रहा है जैसा। देखिए मैं गरम मसाला भूंज के लाई, देखिए भूंजी बोल के ऐसे, और अभी गरम है ठंडा हो गया, अभी इसको मैं जा रही हूँ पाउडर बनाने के लिए। चलो मैं आ रही हूँ। और इसमें क्या क्या है देख लीजिए, बड़ा इलायची, छोटा इलायची, लौंग, दालचीनी, देखिए फिर काला मिर्च है, देखिए काला मिर्च, जीरा सब डाल के मैं थोड़ा फ्राई पैन में गरम करके लिए, अभी इसको अच्छे से पाउडर बना के स्टोर करके रख देंगे। इसका खुशबू बहुत तेज आता है, ऐसा करके रखेंगे ना खुशबू तेज आए। और यही मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैं बाहर से गरम मसाला कभी खरीद के नहीं लाती, आपका लेके आके मैं घर पे बना के ये करती हूँ। क्योंकि मैं पहला पहला जब ये था ना, तो मैं एक दो बार बाहर से खरीदी थी, मंगाई थी,
लेकिन मेरे को सही नहीं मिला था गरम मसाला, इसके लिए तब से मैं ऐसा घर पे बना। चलिए पाउडर बना के लो गाइस। मैं आज बनाने वाली अंडा कड़ी, क्योंकि उसका पापा को आने में बहुत टाइम हो जाएगा, तो उसका पापा बोल रहा था तू अभी के लिए अंडा बना ले, शाम को कली चिपोटा बनाने का। मैंने बोली नहीं, सब अंडा धो के डाल रहे, मैंने बोली नहीं एक बार में अंडा बना ले रही। 7 अंडा दिखाई दे रहा है, दोनों टाइम का 8 अंडा होता है, 7 इसके लिए क्योंकि मेरा जो एक अंडा है ना वो मैं अलग तरीके से बना के डालेंगे, इसके लिए उसको आमलेट बना के डालेंगे सालन में, बहुत टेस्टी बनता है, इसके लिए मैं अभी 7 ही डाल रहे। ये फूटा है, एक ले लेना पड़ेगा ले। तो चलिए सब अंडा डाल दी, अंडा बॉयल होने दीजिए। आज बनेगा खाली अंडा कड़ी और चावल, रोटी तो बन गया सुबह ही, बस इतना ही आज लंच में। तो चलिए फिर मैं अभी लगाया जा रहा है झाड़ू 12 बजे, जब से मोबाइल लेके पड़ी थी देख लीजिए। और मैं जब से मैं और मेरा बेटा दोनों जन काम कर रहे बोली मत। अब देखिए वो कैसा साफ किया था, ये लड़की आए और देखिए उसका कपड़ा बैग, इसको कुछ बोलो ना इसको बहुत गुस्सा आता है, तब दिल क्या बोलता है मेरे को मालूम है, इसको पकड़ के धो अच्छा से, ऐसी लड़की है कुछ भी बोलो तो गुस्सा आ जाता है फटाक से। ऐसा क्यों बोले, ऐसा क्यों बोले, ऐसी है। हम लोग करेंगे ना, मैं करूँ बाबा ही करे, देखिए बाबा ही पूरा सोफा देखे कैसा साफ किया, सब साफ किया था सुबह आप लोग को देखा। अभी उधर तो मैं कांदा मसला ये कि वो तो मैं लेके जाएंगे कांदा बटाटा वटाटा काटने का, और इसको ऐसी गुस्सा आता है कुछ भी बोला तो ककार करके उठता है। बनाएंगे तब ना समोसा लेके आएंगे, उधर बना कर गरम गरम देते, जिधर वो समोसा लाने गए ना वो समोसा बनाता है फिर जाके देता है, एकदम गरम समोसा देता है, तो बनाएंगे फिर देंगे फिर लेके आएंगे वो। आज पेटिस लेके आएंगे ना शाम को आप लोग को देखाएंगे, वेज पेटिस। क्यों ये देखिए क्यों क्या हुआ, तो तू मत खा, हम लोग तीनों के लिए लेके आने का, मेरे लिए तेरा पापा के लिए और तेरा भाई के लिए। क्या टेस्टी पेटिस था, तो तिक्का तो रहेगा ही, तो तेरे लिए क्या फिक्का बनाएगा, नहीं आप लोग को दिखाएंगे मैं जब पेटिस लेके आएंगे। चलिए उसको झाड़ू लगाने दीजिए, वो फोटो लिया मैं लेके आके देखा, और इधर मेरा अंडा बॉयल हो गया, आज एक कारी बनेगा एक कारी, ये देखिए बॉयल हो गया फूट गया, बंद कर दो, आज एक कारी बनेगा बस। चलिए फिर अभी क्या बाकी है देख लीजिए, कपड़ा बाहर का कपड़ा डाल दी मैं, ये कपड़ा बाकी है, ये सिर्फ डालू हो जाएगा, अरे अंडा ठंडा करने के लिए रखी, ये अभी इधर झाड़ू लगाएंगे मैं भागू। अरे इसमें किराना का सामान है सब, खाली नहीं कि कल लाई थी ऐसे ही है, वो सब उधर रख दे। चलिए फिर मिल संडे का नाश्ता देखिए, समोसा गर्मा गर्म समोसा, ये समोसा 7 रुपया करके लेता है, इधर मिलता है हम लोग को इधर 7 रुपया करके, खाली समोसा पाव नहीं मिलता है सिर्फ समोसा,
₹7 का क्या, बहुत टेस्टी बना था। अरे देखिए कांदा लेके बैठी हूँ, कांदा काटने का, साफ करके रखी सिर्फ काटने का। इधर बटाटा काट के हो गया अंडे का सालन के लिए, और इधर अंडा साफ करके काट के भी हो गया सिर्फ बनाने का। तो चलिए फिर बनाने के बाद गाइस आज बनेगा अंडा कड़ी। बटाटा ले लिया अंडा, इसमें है मसाला अदरक लहसुन उसुन सब पीस के लिए, टमाटर वमाटर, और इसमें गरम मसाला पीसी थी बोल कर गर्म मसाला का भी खुशबू आ गया, गरम मसाला पीस ली थी। अरे इसमें कांदा चप किया हुआ, अरे ये तेजपत्ता। तो कढ़ाई बैठा दी, कढ़ाई गरम भी हो गया, तेल डाल दूँ देखा दूँ आप लोग को। हाँ चलिए ऑन कर दी, इसमें डालेंगे राई का तेल, पूरा डाल दूँ मैं, अभी जितना है उतना डाली मैं डाल दी, तेल लाई कल में, हाँ उसको डालना पड़ेगा। तो चलिए मेरा तेल हो गया गरम, अभी इसमें पहले मैं डालेंगे हल्दी और नमक, हल्दी नमक डाल देंगे, थोड़ा सी डालेंगे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सी हल्दी डालेंगे, डाल देंगे अंडा, ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का फ्राई करके उठा लेंगे। चलिए अंडा हो गया, इसको उठा लूँ, अंडे को उठा लूँ। उसका पापा लाने वाला था कलेजी पोटा, लेकिन वो जिधर काम पे गया, आने में टाइम हो जाएगा बोल के इसके लिए बोला कुछ भी बना ले, तो मैंने बोली अंडा कड़ी बना ले। आप डाल देंगे इसमें तेज पत्ता दो, थोड़ा सी जीरा, और डाल देंगे कांदा। कांदा होता तो फिर कांदे में बटाटा डाल के फ्राई कर लेंगे। चलिए अभी इसमें मैं बटाटा डाल देंगे, बटाटा अभी कांदा थोड़ा फ्राई हो गया है, कांदे का साथ साथ बटाटा भी मेरा फ्राई हो जाएगा। मैं अलग से फ्राई करना मैं भूल गई, अभी याद आया मेरे को, इसके लिए मैं अभी कांदे का साथ ही फ्राई करके ले रही हूँ इसको। चलिए मेरा ये हो गया, इसमें डाल देंगे मैं मसाला, और इसमें डालेंगे हल्दी नमक स्वाद अनुसार नमक,
हल्दी। ए साबो इधर आप पहले ये अंडा ये फ्राई करते रहना। धनिया पाउडर, तीखा लाल मिर्च पाउडर, कलर का मैं डाल दी पहले, इतना डाल दी कलर का डालें, चम्मच ले ले उधर से। चलो पानी डाल के इसको भूंज लो अच्छे से। ठीक है गाइस, और एक बार अंडा फ्राई करने। देखिए इसमें थोड़ा सी मैं लाल मिर्ची कलर का डाली, जास्ती नहीं, क्योंकि पहले से ही लाल कलर हो गया था। इसको अच्छे से फ्राई मसाले को भूंज के लो। गरम मसाला ये की थी ना इसमें, तो ये क्या खड़ा से उधर और आमलेट बनाए यार। तो गाइस और एक बार आ चुका हूँ, सबसे पहले मैंने रोटी बनाया था, अभी हम देखते हैं। डाल गोल करके डाल, उसमें नहीं रखने का, डाल दे पूरा। छोड़ दे अभी, वो होने दे। क्या मुसीबत है बाबा, तू जा इधर से बाबा, मैं करूं, हट जा। पूरा पानी उनी डाल के क्या कर दिया सब। गिर जाएगा भी वो। मेरे को दोनों तरफ करना पड़ रहा है। लड़ो क्या करेगा तू, होने दे उसको। चलिए हो गया, इसमें भी पानी डाल देंगे, मसाला भून गया। नहीं रहा, नहीं रहा। अब इसमें मैं डाल देंगे अंडा। अंडा ऐसा क्यों लग रहा है? एक अंडा मेरा साफ करने का टाइम में फूट गया, इसके लिए थोड़ा उसको पलट कर अब डाल देंगे इसमें पानी। जितना अपने को पानी चाहिए उतना ही डालेंगे। तू गैस स्लो कर, मैं कर रही हूँ। कितने सेकंड यहाँ से? इसको अभी ऐसे ही रख रही हूँ, इसमें एक चीज डालेंगे वो डाल रही हूँ, देख रही हूँ आप लोग को। देखिए एक अंडा ली, इसको फेंट के अब इसमें डाल देंगे सालन में। हाँ इसको ऐसे रखने से? उसको धीरे धीरे पलट दे। दो अंडा डाले डालती हूँ मैं, लेकिन अभी एक ही डाल दी। अंडे का सालन का टेस्ट भी चेंज हो जाता, कलर भी चेंज हो जाता। हाँ क्या करो अभी इसको पलटी? धीरे धीरे पलट करना पड़ेगा। छोड़ छोड़, ऐसा नहीं बोली, ऐसा ऐसा अंडा बनाए मेरी अंडा ये अंडा। पहली बार बच्चा बना रहा, अम्मा क्या बात कर रहे हो। ये हो गया, अभी इसको मैं ढक के बैठा दूँ। ये बन जब बटर टोटर का बॉयल हो जाएगा ना,
तब मैं फ्राई वाला अंडा डालेंगे और गरम मसाला। तब ले जा सालन बैठ गया, अरे आमलेट जो डालने का अंडे में, जब सालन पक जाएगा फिर ये सब डालेंगे, वो मेरे लिए और ये सब सबके लिए। तो फिर देखा, और इधर हो रहे कपड़ा घड़ी, वो भी गया, हो गया। देखिए मैं थोड़ा लेट आई क्योंकि मैं खाना बना रही थी, कपड़ा घड़ी कर लिया। तेरा वो दोनों गिल्ला था इधर डाली, इधर दो था नहीं क्या? हाँ, किधर रख दी? इधर गिल्ला था वो दोनों। देखे और सिलेंडर आ गया, वो देखिए सिलेंडर, सिलेंडर का जगह में सिलेंडर रखने का मेरी, ये देखिए इसमें अंडा डाली ना, इसके लिए ये सब ऊपर आ रहा है। गैस स्लो कर दी मैंने क्योंकि ये नहीं तो गिरेगा। इसमें देखिए उबला हुआ अंडा, मतलब ये करके डाली ना इसके लिए। और सिलेंडर आ गया, ये देखिए सिलेंडर को भी लेके आने का होगा। चलिए लेके जाओ सिलेंडर को, सिलेंडर सिलेंडर का जगह में, ये काली बुक की थी सिलेंडर, और आज ही आ गया सिलेंडर, रख दी इधर। और शाम को सब क्या क्या खाली करने का सब खाली करेंगे। अरे पार्ले जी, हमारे घर का सब कुछ पार्ले, हमारे घर का तीनों का पार्ले जी। मैं कभी कभार मैं एक दो ही खाती हूँ बस, अरे सब बाद में सब ये करेंगे। मेरे से अभी नहीं हो रहा, कमर बहुत दुख रही है मेरी। चलिए मेरा सालन देखिए हो गया, और कलर ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग को बता दे रूँ। पहला रेड कलर लग रहा था, अभी कलर चेंज इसके लिए हो गया। मैं इसमें एक अंडा फोड़ के डाल दी, बोल के इसका कलर चेंज हो गया। ए साबो इधर है ना, हो गया मेरा। जरा पकड़ ना, मैं थोड़ा गरम मसाला डाल दूँ। थोड़ा सी गरम मसाला डाले यार, क्योंकि होममेड गरम मसाला है एकदम खुशबूदार। अभी इसमें जाएगा सब अंडा, ये मेरा अंडा जो साइड में डाल दी, बाकी अंडा भी डाल दो। ये सबके लिए, ये कुछ पूछिए ना, ये सबके लिए जाता है क्योंकि मेरा हस्बैंड को ना ऐसा आखा अंडा और ऐसा फ्राई अंडा बहुत पसंद है इसका पापा को। इसका पापा ऐसा ही अंडा ये करता है। ये हो गया, अब गैस बंद कर देंगे, ये ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। चलो गैस बंद कर दी, ये ऑटोमेटिक फूक जाएगा सब सालन, ये हो जाएगा। तो चलिए हमारा अंडा करी बन के तैयार। एलो एलो अंडा करी, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सही से पकड़, इसमें मैंने डाली अंडा फोड़ के, ये देखिए बारीक 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 अंडा है फोड़ा। इसके लिए ऐसा खाने में भी उतना ही टेस्टी बनता है। तो ये हो गया, अभी इसको ढक दूँ, फिर खाना खाने के टाइम मिलेंगे। इसमें से गरम मसाला का खुशबू उड़ जाएगा, नहीं तो अभी ये ऐसा गरम मसाला का खुशबू है। मैं आज मीट मसाला डाली नहीं, आज गरम मसाला डाल के बनाए। तो चलिए फिर मेरे खाना निकल लिए, उसका पापा का देख के, नहीं तो चिल्लाएंगे अभी मेरा पापा। हेलो ए बाबाई का देख के, ए ले देख कितना बड़ा अंडा दे दी तेरे का। ए है मेरी लड़की का, अरे मेरा देखे मेरा अंडा
फ्राई जो आमलेट हो और वो फुटेल वाला अंडा और एक बटाटा ये मेरा। तो चलो खाना क्या पानी दिया ना, देखना किधर है वो, देख नीचे ग्लास कैसा बना, सालन सालन कैसा बना हम सबको बता। अरे उधर हो का खाना, चलो चलो खाना खाना चलो करो। हाय गाइस, गुड इवनिंग। हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो वीडियो एंड हो चुका है और गाइस बैड न्यूज ये है जे पेटिस नहीं मिला, उसको पेटिस नहीं मिला लेकिन आप पेटिस के जगह चाइनीज में मिला। पेटिस खाने का था, पेटिस बोली थी मंगाएंगे लेकिन पेटिस नहीं मिला क्योंकि आज है संडे। तो पूरा पेटिस बिक गया, तो जल्दी बिक गया था, इसके लिए उन लोग बोला था शाम को जल्दी आने का था 7 बजे तब तो मिलता था। तो जान दीजिए आज नहीं मिला तो कल मिलेंगे, बट चाइनीज भेल मिला खाने के लिए। तो उसके लिए चाइनीज भेल लेके आए, उसका चाइनीज भेल चाइनीज भेल चाइनीज भेल खा लिया। तो गाइस अभी भीड़ बनाई थी मैंने ये, और मैंने ये बनाई सिमोई बनाई थी अभी, तो सिमोई भी खा के हो गया, सिमोई खा ली और थोड़ा सी रख दी इसको लिए और इसका पापा के लिए दोनों के लिए। ये कल सुबह डब्बे में लेके आएंगे। हाँ तो क्या लेके आएगा, दूसरा कुछ दे दे मेरे, अभी कुछ भी नहीं है, एप्पल ले, एप्पल लेके जाते दे दे समय, बस वो दूसरे को नहीं खाना चाहिए तो एप्पल लेके आ, नहीं जाने दो दे दो, तू इधर आ जाना, इधर बड़ा बड़ा रहा है। तो मैं आ गई वीडियो ख़त्म करने के लिए और आज देखिए एक, तो चलिए आज के लिए वीडियो, ऊपर खड़ा हो वो अभी आएंगे, इधर खड़ा हो जाए। आज उसने रोटी बनाया, आप लोग को वीडियो में देखने मिलेंगे। अंडा फ्राई इसके लिए तो एक कमेंट करना कैसा अंडा फ्राई किया, लेकिन अंडा फ्राई किया लेकिन अंडा फ्राई फेल हो गया, पता नहीं कैसा जी भी किया था, बड़ा बड़ी काटने में उसको नहीं हुआ, लेकिन ऐसा अक्खा उठा तो हो जाता था, बड़ा बड़ी था लेकिन काटे नहीं गया था, उससे मैं कर दी। और फिर दूसरी बार तीसरी किया अभी शाम को सिमोई। हाँ लेकिन आप लोग एक कमेंट मत करिए जी, आप बच्चे को देके काम क्यों कर रहे, आप क्यों नहीं कर। मैं खा रही थी, मैं ही करने वाली थी, वो आया बोला मम्मी मैं करेंगे, तो मैंने बोली ठीक है कर। अभी बारिश है और ऊपर से खेलने नहीं जाता किसी का साथ, दिन भर मोबाइल, शाम को भी मोबाइल। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा मोबाइल से दूर करने के लिए, तो मैं जो कर रही थी वो हाथ में मदद कर रहा था, मैं साथ में थी तो मैं बता रही थी, मैं देख रही थी, ऐसा नहीं जे मैं उसको अकेला छोड़ दी, क्योंकि मेरे को मालूम है वो छोटा है, उसको ये करना जरूरी है, पोटेशन देना जरूरी है, तो मैं पोटेशन दे रही थी। हाँ उसको मैं गाय मेरा साथ में ही होता, गाइड कर रही थी मैं, और थोड़ा मोबाइल से तो थोड़ा दूर ये होता है ना, रोज मोबाइल देखते हैं। और गाइस कोई कोई जगह ऐसा जगह है जिधर वो चीज़ कैप्चर करना हम लोग भूल गए, लेकिन वो जगह में यूनिक सीन हुआ है, जैसे कि हाथ से उठाना, हाथ से गोल घुमाना रोटी, वो भी। हाँ तो चलिए कल फिर नया वीडियो का साथ मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। और गाइस और गाइस मैं भी एक चीज़ बता दूँ, बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा रहेगा ये खेलने को क्यों नहीं जाता, तो कैसे हम लोग के एरिया, हम लोग के जो ये जो कॉलोनी है ना, इधर के लोग उतने अच्छे नहीं है, वो खिट खिट करते नीचे वाले लोग, और यहाँ के बच्चे भी ना बुलाते खेलने के लिए, चार फिर मारपीट करते हैं, फिर मारपीट करते अपने मम्मी उम्मी को भी बुलाते, गाली गलच करते हैं, मारपीट करते हैं। और हम लोग का बिल्डिंग का नीचे भी सही नहीं है, चिल्लाता है उन लोग, उन लोग का बच्चा कितना भी रात तक खेले तो कोई दिक्कत नहीं है, रात को 1 बजे तक खेले, 1:30 बजे तक खेले, दिक्कत नहीं है, 4-5 बजे। लेकिन इन लोग शाम को खेलने जाएंगे तो बोलेंगे हम लोग सो रहे हैं, 9 बजे सो रहे हैं, 8-9 बजे बोलते हैं हम लोग सो रहे हैं, 10 हजार इसके लिए नहीं जाता। चल चार पाँच बजे हम लोग जोरदार लाउड स्पीकर गाना लगा। चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही, कल फिर नया वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना, शुभ रात्रि और हैप्पी नाइस डे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ सब्सक्राइब आप लोग करते ना, ऐसे वीडियो देख के बेल बजा देना।
और लाइक भी नहीं करते ना, कमेंट कमेंट करके बताने का कैसा लगा। और हाँ, मेरा ये जो खाना वाना खाना ये तो मैं खाना वाना है उसका नंबर दे देना 10 up to 10 नहीं तो 9। तो चलिए कल भी नया वीडियो के साथ नया दिन में मिलेंगे। बाय 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 बाय।